बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया ज्यादातर आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इसलिए है reason, के इसकी जो कुछ इंस्टॉल नहीं करना सो वर्ड ड्रांसलेट टू यू ओनली नीड एन इंटरनेट कनेक्शन नंबर वन नंबर टू यू जस्ट नीड अ ब्राउजर दिस इज इट या क्रोम आपके पास हो या मोजिला कोई एक आपके पास ब्राउजर मौजूद हो तो यू कैन अवेल द सर्विस ऑफ यू नो एनी सॉफ्टवेयर विच इज गिविंग यू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके दिमाग में आती है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है मैंने उसके अंदर डॉक्यूमेंट एक क्रिएट किया वो अब जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़ा तो मेरे पास हुआ है अब मैंने अगर किसी के साथ शेयर करना है मैं डबल कोर्स में कह रहा हूं शेयर करना है तो मैं शेयर नहीं कर सकता इससे मुराद है कि मैंने अगर अपने किसी फ्रेंड को वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है तो मैं उसको ईमेल अटैचमेंट के तौर पर भेजूंगा वो उस फाइल को अपने पास डाउनलोड करेगा जो भी चेंजेस करनी है वो करेगा और फिर मुझे दोबारा भेजेगा और ये प्रोसेस टू एंड फोर चलता रहेगा मतलब ये है कि विदाउट क्लाउड मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि डॉक्यूमेंट एक हो और उसके ऊपर दो बंदे काम कर रहे हो साइमल्टेनियसली यानी जस्ट लाइक अ लाइव हार्ट बीट तो इसको अगर मैं अब क्लाउड के साथ इसको मैं अगर डिस्कस करूं तो गूगल डॉग एक बहुत आ, आ, बड़ा मशहूर टूल है कुछ भी नहीं है सिंपली वर्ड को क्लाउड पे ले गए हैं यानी वही वर्ड डॉक्यूमेंट जो पहले मेरे कंप्यूटर पे होता था अब मेरे कंप्यूटर के बजाय किसी और के कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है तो ये एक एंड ऑब्वियस दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ तो ये एक सर्विस है जो कि बड़ी मशहूर है वर्ल्ड की इक्वरेंट गूगल टॉक दूसरी जो सर्विस है या दूसरा जो सॉफ्टवेयर या सर्विस वाली चीज है जो कि थोड़ी डिफरेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दैट इज एवर नोट एवर नोट बेसिकली ये है कि है ये भी वर्ड डॉक्यूमेंट ही लेकिन आप ये आप ये समझें कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है ऑन अ क्लाउड मतलब फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग हो रही है कोई डिस्कशन हो रही है आपने कोई मीटिंग पॉइंट शेयर करने हैं तो आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना आप मीटिंग पॉइंट लिखें जो भी आपके डिस्कशन पॉइंट हैं वो लिखें और फिर जो इसके अंदर बड़ी मजे की चीज है वो ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं यानी आप ये समझें एक वर्ड का पेज है आप उसको अप, अपने किसी फ्रेंड लिस्ट के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं सो दे विल गेट दैट यू आर एल और वो उसको क्लिक करें एंड दे विल बी एबल टू एक्सेस द सेम थिंग सो लेट्स डू अ स्मॉल डेमो ऑफ एवरनोट एवर नोट डॉट कॉम यह बेसिकली आप समझिए कि ये आपकी ऑनलाइन वर्ड की तरह काम करेगी सो लेट मी लॉग इन देयर मैं अगर मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई तो मैं रजिस्टर करूंगा और साइन अप फॉर फ्री और अगर मेरी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो मैं यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक करूंगा सो आई विल बी रीडायरेक्टेड टू लॉग इन पेज ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि मैंने अपने कंप्यूटर पे कुछ डाउनलोड नहीं किया और ये ये क्लाउड की सबसे बड़ी फैसिलिटी है अब मैं यहाँ पे लॉग इन हो गया तो अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है या मैं एक नया पेज भी क्रिएट कर सकता हूँ इस प्लस साइन पर जाऊँगा इसको मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट नोट मैं टेस्ट नोट लिखा ये बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट का जिसका टाइटल होता है ये मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है मैंने यहाँ पे डन मार्क किया जब डन की मार्क किया तो मेरे पास देखें उसी टाइटल का एक पेज खुल गया और ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो वर्ड में मेरे पास होते हैं यहाँ मेरे पास मौजूद है दिस इज अ वेरी गुड टूल रादर वेरी हैंडी टूल फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई मीटिंग चल रही है आपकी कोई डिस्कशन चल रही है आप अगर मोबाइल फोन के ऊपर हैं तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू एवन नोट यू कैन जस्ट टेकिंग नोट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल री एम्बर्समेंट है ट्रेवल प्लान है कस्टमर प्लानिंग है या कस्टमर मीटिंग है जो भी आपके फॉर एग्जाम्पल आपके नोट्स हैं जो कि वुमन मीटिंग के बाद होते हैं तो आप इनको नोट्स के फॉर्म में लिखें अब आप देखें ये बिल्कुल वर्ड की तरह काम कर रहा है लेकिन मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया अपने कंप्यूटर पे ये मेरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि मैंने अपने कंप्यूटर पे कुछ इंस्टॉल नहीं किया लेकिन इसका मतलब ये कथन नहीं है कि ये कहीं इंस्टॉल नहीं है ये किसी दूसरे के कंप्यूटर पर इंस्टॉल है इसी ही लिए इसको क्लाउड कह रहा हूं मैं कि ये एज अ सर्विस मौजूद है मेरे पास और इस इस सर्विस की एक ब्यूटी और है जो बहुत जबरदस्त है ये डॉक्यूमेंट लिख लिया मैंने अब मैंने किसी जगह शेयर करना है तो यहां पे मेरे पास शेयरिंग की फैसिलिटी मौजूद है शेयर अब यहां लेट सपोज मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं शराज परवेज लिख दूँ या लट सपोज हमाद लिख दूँ या लट सपोज रजा लिख दूँ कुछ भी लिख दूँ तो जो मैं यहां पे ई एड्रेस लिखूंगा एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर सेंड पे क्लिक करूंगा अगर तो वो ये जो यू आर एल आई ए वाला ये उसके में चला जाएगा डज इट मीन कि जिस, जिस से मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा वो हर वो बंदा इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लेगा और वी विल बी जस्ट वर्किंग एज अ लाइव हार्ट यानी एक डॉक्यूमेंट को एक वक्त में दो बंदे एक्सेस कर रहे हैं या उतने बंदे एक्सेस कर रहे हैं जिसके जिन लोग के साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया है कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया हुआ है मैं ये काम नहीं कर सकता मैं अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो तो मैं ईमेल में अटैचमेंट में तो भेज सकता हूं लेकिन मैं वो डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता शेयर से मुराद ये है कि एक ही वक्त में मैं और बाकी और लोग उसी डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहे हो जो डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है तो दिस इज अ वेरी हैंडी सर्विस दिस इज अ वेरी हैंडी टूल एवर नोट जो कि आपको दिस इज बाय द वे ऑब्वियसली दिस इज वन यू नो एज अ सर्विस मैंने एज एज अ अ एग्जांपल दी है आपको आप गूगल डॉक भी यूज कर सकते हैं ड्रॉबॉक्स भी मौजूद है बेदार सर्विस मौजूद हैं जो आपको बगैर डाउनलोड किए अपना डाटा या डॉक्यूमेंट शेयर करने की आपको प्रिविलेज फॉर अ टाइम बींग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं